नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित एक नई गांठ के साथ, लघुकर गांठ, जिसको अंग्रेजी में शीप सेंक भी कहा जाता है। जब हमारे पास कोई लंबी रस्सी होती है और हमको छोटी रस्सी की आवश्यकता है, हम बिना काटे उसको किस प्रकार से छोटी कर सकते हैं और पुनः उसको लंबी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक रस्सी है, इसको ये लंबी रस्सी हम मान लेते हैं कि ये लंबी रस्सी है, और इस लंबी रस्सी को हमने छोटा करना है, हमको छोटी रस्सी की आवश्यकता है, हमने इसको काटना नहीं है क्योंकि ये फिर दोबारा हमारे काम आएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, बीच से इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। आपको जितनी छोटी रस्सी की आवश्यकता है उतना देखकर और उस हिसाब से आप इसको बड़ा या छोटा ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये फोल्ड किया, इसके एक सिरे को छोड़िए और दूसरे सिरे में इसको पकड़ लिया, जो ये लंबी रस्सी इधर जा रही है, इस पर इस प्रकार से एक लूप बना दीजिए। ये लूप बनाया और इस लूप में इस हिस्से को डाल दीजिए रस्सी का, और जो ये लंबा हिस्सा आपका है इसको खींच लीजिए। इसी प्रकार से दूसरे सिरे पर भी आपको ऐसा ही करना है। ये लूप बनाया और इस हिस्से को इसमें डाल देना है, इसको खींच लीजिए। ये दोनों खींच गए, हमारी रस्सी जो लंबी थी वो इतनी छोटी हो गई हमारे पास। ये देखिए इस प्रकार से, और ये छोटी हो गई है। पुनः यदि हम इसको लंबा करना चाहते हैं तो खोल दीजिए, आसानी से आपकी रस्सी भी ये खुल जाएगी और पुनः उतनी ही लंबी आपकी रस्सी हो जाएगी, ना आपकी रस्सी बर्बाद जाएगी और ना आपको रस्सी को काटना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को, चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, और जो अन्य मेरी वीडियोस हैं उन वीडियोस को आपको जल्दी से जल्दी वो प्राप्त होंगी। धन्यवाद।